नमो नमः स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बीबीवीएन ऑनलाइन क्लास। बच्चों आज हम करेंगे जो मैंने आपको धातु क्रिया जो रूप पढ़ाए थे, धातु है ना, धातु और क्रिया जो शब्द पढ़ाए थे उनके हम करेंगे, थोड़ा उनको समझेंगे दोबारा से और उनके हम करेंगे क्वेश्चन आंसर सॉल्व, है ना, कि जो उससे अलग अलग हम क्वेश्चन बना सकते हैं, हम खुद भी बना सकते हैं और किस प्रकार के किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं वो आज आपको बताएंगे, ठीक है। तो लट लकार, पहले आप एक एक शब्दों को समझिए। लट लकार अर्थात वर्तमान काल, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। क्या होता है वर्तमान काल? प्रेजेंट टेंस। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष समझ गए, लट लकार का तो क्या अर्थ हुआ? वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, ओके। फिर प्रथम पुरुष का क्या अर्थ हुआ? जो प्रथम पुरुष, मैंने पुरुष कितने होते हैं, कितने होते हैं? तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। हर वीडियो में, हर एक चीज़ में रिवाइज कर रही हूँ, आप वीडियो को अच्छे से सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो प्रथम पुरुष में क्या आता है? किसी का भी नाम आता है, जो भी संज्ञा शब्द होते हैं वो किस में आते हैं? प्रथम पुरुष में आते हैं। और सर्वनाम कौन से आते हैं? सह, तउ, ते, ये किसके हैं? पुल्लिंग के। और स्त्रीलिंग के कौन से हैं? सा, ते, ताहा, कौन से हैं? सा, ते, ताहा, ठीक है ये। और सह, तउ, ते, और किसी संज्ञा, कोई भी संज्ञा शब्द, राम, श्याम, गीता, सीता, मेघा, ललिता, है ना, कोई भी जो संज्ञा शब्द हैं, चाहे लड़की का हो चाहे लड़के का हो, वो सब किस में आएंगे? या किसी भी जो संज्ञा शब्द, आप जानते हो ना संज्ञा किसे कहते हैं, जो भी आएगा वो प्रथम पुरुष में आता है, ठीक है। फिर है पुल्लिंग, तो एक एक शब्दों का अर्थ देख रही हूँ, जो ऊपर आपकी हेडिंग दी हुई है उन शब्दों का अर्थ मैं आपको समझा रही हूँ जो रेड कलर में लिखे हुए। पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति, पुल्लिंग समझ में आ गया, जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। कि क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। अकारांत जो होते हैं, जिसके अंत में अ आता हो, जिसके अंत में अ की ध्वनि आती है, जैसे जनकह, तो जनकह में अंत में क्या आया? अ, और विसर्ग लगा है, तो विसर्ग तो हम संस्कृत का शब्द है, प्रथम पुरुष एकवचन का तब लगाए हैं, ठीक है। लेकिन जनक, जनक शब्द को देखिए आप, जनक के अंत में अ की ध्वनि आ रही है, अ आ रहा है ना, उसका विच्छेद करते हैं तो ए आता, तो वो अकारांत यानी ऐसे अंत होने वाला शब्द पुल्लिंग कहलाता है, और आकारांत आ से अंत होने वाला शब्द स्त्रीलिंग कहलाता है, ठीक है। पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति समझ में आ गया। प्रथमा विभक्ति जैसे वही है आपका, तो अभी विभक्तियाँ मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, कारक आएंगे तब आपको समझाऊंगी मैं। लेकिन जैसे बालक है, ये जो पहले पहले जो अक्षर है ना, बालक, ये सब प्रथमा विभक्ति के हैं, आपको डिटेल से इसमें नहीं समझाऊंगी, वो आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। विभक्ति अलग चीज़ है, वो आपको बाद में कराएंगे, अभी आप छोटे बच्चे हैं। फिर एकवचन और बहुवचन, तो इस चैप्टर में हम आज क्या पढ़ेंगे, जो संज्ञा सॉरी जो धातु है, धातु से जो क्रिया है उनके हम वाक्य बनाएंगे, तो किसके बनाएंगे? केवल एकवचन और बहुवचन के इस चैप्टर में, ठीक है, एक वचन के और बहुवचन के। ये जो पुस्तक है इसी से मैं अब आपको पढ़ाऊंगी, और इस पुस्तक की आपको सभी को क्या मिल जाएगी? पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप पीडीएफ को प्रिंट आउट निकाल के आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे अच्छे हैं, इजी इजी है, आपको समझ में आ जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें होगी मैं आपको पिक्स भेज दूंगी, मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। तो इसमें एकवचन और बहुवचन हम पढ़ेंगे, द्वितीय अभ्यास है, अर्थात द्वितीय जो सेकंड चैप्टर है वो है, ठीक है। और बच क्या गया? एकवचन बहुवचन के बीच में कौन सा आता है? द्विवचन, जो दो की संख्याओं का बोध कराता है, वो तृतीय अभ्यास में पढ़ेंगे, यानी थर्ड चैप्टर में आएगा, है ना। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एकवचन बहुवचन यानी प्रेजेंट टेंस, थर्ड पर्सन, मस्कुलाइन, नॉमिनेट नेटिव केस, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है, समझ में आ गया आपको, ये चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो धातुएं मैंने आपको सारी करवा दी थी, आशा करती हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छे से उनको समझा होगा, पढ़ा होगा, याद किया होगा, ठीक है। तो पठ यानी पढ़ना, रीड, नम नमस्कार करना, धाव दौड़ना, लिख लिखना, चल चलना,
बाल है बालक, बाल है बालक, छात्र है विद्यार्थी, वानर है बंदर, गज है हाथी, अश्व है घोड़ा। ठीक है, इस प्रकार आपको ये याद करना है। फिर है सह, सह यानी वह, मैं बहुत बार हर वीडियो में इसका बताती हूँ, सह वह किसके लिए, ही पुल्लिंग के लिए। ठीक है, ते वे सब, बच क्या गया बीच में द्विवचन का तव, तो इसमें क्यों नहीं आया है वो, क्योंकि इसमें हम पढ़ रहे हैं एकवचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, ते वे सब यानी दे, इंग्लिश के भी वर्ड्स हैं तो इंग्लिश में तो आप समझते ही हैं। फिर है नर मनुष्य, बालक बालक, ठीक है, और बाल है भी बालक होता है। तो इसके हम, ये मैंने पहले पढ़ा दिए थे, आज हम इनको क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चित्र देखकर रिक्त स्थान भरिए, है ना, ये एक चैप्टर भी ले सकते हैं, देखो क्वेश्चंस के जैसे भी लग रहे हैं। चित्र देखकर रिक्त स्थान भरिए, ठीक है, तो ये देखिए चित्र, देखिए आप चित्र में क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है आपको चित्र में, एक बालक है, एक छात्र है, एक स्टूडेंट है जो पढ़ रहा है ना, तो पढ़ रहा है, अभी वो कार्य कर रहा है, तो वर्तमान काल अर्थात लट लकार, लट लकार का है चैप्टर तो लट लकार। ठीक है, और दूसरे में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको हिंदी में आप समझिए, चित्र देख के आप पहले यही तो देखोगे, देखो इसमें एक बच्चा बैठा है वो पढ़ रहा है, उसमें तीन बच्चे बैठे हैं, तो तीन या तीन से अधिक क्या होते हैं, अनेक में आ जाते हैं, बहुवचन में आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बच्चा पढ़ रहा है ना, तो बच्चा पढ़ रहा है तो आप उसको छात्र भी बोल सकते हैं, स्टूडेंट पढ़ रहा है भी, स्टूडेंट है वो, तो स्टूडेंट यानी छात्र, छात्र विद्यार्थी, विद्यार्थी को क्या बोलोगे संस्कृत में, छात्र, एक है तो क्या आएगा छात्र। फिर क्या कर रहा है वो, पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो सबसे ही सबसे पहले कौन सी आई इसमें, देखो ऊपर पठ, पठ यानी पढ़ना, पठ पढ़ना, तो पढ़ना तो उसका क्या हो गया हिंदी अर्थ हो गया, और पठ क्या है मूल धातु है, तो उसको प्रथम पुरुष में कैसे लिखेंगे एकवचन में, प्रथम पुरुष के एकवचन में कैसे लिखेंगे, पठती, कैसे लिखेंगे पठती, तो क्या आ जाएगा छात्रः पठती, छात्रः पठती, पठती पठतः पठंती, याद आया मैंने पूरा भेजा था ना आपको, पठती पठतः पठंती, तो एक ही बच्चा पढ़ रहा है, एक ही विद्यार्थी पढ़ रहा है, तो क्या आएगा छात्रः पठती। ठीक है, इसमें हम एकवचन और बहुवचन की बात करेंगे, द्विवचन को आप एक बार अलग से नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आपको अगर एक चीज़ दी हुई है तो हमेशा इसी प्रकार उसको साथ में सोचते हुए पढ़ते हुए चलिए कि एक वचन है तो हम उसके तीनों करते हैं साथ में, जैसे आप कर सकते हैं छात्रः पठति, छात्रौ पठतः, छात्रः पठन्ति, तो तीनों चीज़ एक साथ क्लियर हो गई, कोई टेंशन नहीं है, एक साथ सबका हर एक शब्द का ऐसे पढ़ने लग जाओगे ना तो आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है ना, फिर छात्र है यानी वह, वह है पुल्लिंग है, बॉय है। ठीक है, तो वह पुल्लिंग को, अगर पुल्लिंग है उसको क्या बोलोगे, वह इंग्लिश में ही, तो उसको क्या बोलोगे संस्कृत में, सह, एक वचन क्या होता है प्रथम पुरुष का, सह, सह पठती, ऊपर देखो छात्र विद्यार्थी दिया हुआ है यानी संज्ञा शब्द दिया हुआ है। ठीक है, विद्यार्थी संज्ञा शब्द है, और यहाँ सह सर्वनाम शब्द है, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो सह पठती, पहले में विद्यार्थी पढ़ रहा है, छात्र पठती का क्या अर्थ हुआ, विद्यार्थी पढ़ रहा है या विद्यार्थी पढ़ता है। ठीक है, फिर सह पठती, वह पढ़ रहा है या वह पढ़ता है, ये फोर्थ क्लास के लिए पीडीएफ जाएगी, फिफ्थ के लिए इसको देख सकते हैं समझने के लिए, एक जैसी चीज़ें हैं, क्योंकि फिफ्थ की जो बुक है उनकी मणिका, उसमें क्वेश्चन आंसर बहुत कम है, तो ऐसी टाइप के क्वेश्चन आंसर आएंगे, तो ये फिफ्थ वाले भी देखेंगे
और उनको अगर उनकी बुक का पढ़ाऊंगी तो मैं पेज वगैरह सब कुछ बताऊंगी, उनको उनकी बुक में सारा डिटेल दिया हुआ है वो सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जो जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको पढ़ना है, क्योंकि आपकी जो पुस्तक है आपने देखा होगा उसमें क्वेश्चन आंसर है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है। तो ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर तो आएंगे ना, तो आप ये वाले कर सकते हो, और भी मैं आपको बना के दूंगी, ठीक है ना। आपके क्वेश्चंस जो हैं मैं आपको बना के दूंगी, और इनमें से भी आपको वीडियो आएंगे, कर सकते हो आप, ठीक है। फिर है देखो, तीन बच्चे पढ़ रहे हैं, तीन विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो छात्र एक वचन, छात्र द्विवचन, बहुवचन क्या हो गया, छात्रा छात्रा। फिर क्रिया देखिए, पठती पठतः पठंती, तो क्या आया, छात्रा पठंती, समझ में आई बात, छात्रा पठंती यानी अनेक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, अनेक छात्र पढ़ रहे हैं, या अनेक विद्यार्थी या छात्र पढ़ते हैं, ठीक है। फिर बहुवचन, उनका सर्वनाम का क्या होगा, बहुवचन सह एक वचन हो गया, तौ द्विवचन हो गया, ते बहुवचन हो गया, तो सह तौ ते, तो क्या आएगा, वे अनेक है ना, वे सब हैं, बहुत सारे हैं, तो ऊपर देखिए वे सब का ते, ते का मतलब वे सब, ठीक है, दे, तो ते पठंती, क्या करोगे, ते पठंती, वे सब पढ़ रहे हैं, इस प्रकार से। ये देख लीजिए आपके चार क्वेश्चन तैयार हो गए, छात्र पठती सह पठती छात्रा पठंती ते पठंती। तो ये रिक्त स्थान में आपको इनकी जगह कोई सा भी वर्ड शब्द दिया जा सकता है, आपको ध्यान रखनी है कर्ता के अनुसार क्रिया और क्रिया के अनुसार कर्ता, ठीक है। फिर देखिए, पहले में एक बालक जो खड़ा है वो क्या कर रहा है, उसको देखिए, नमस्कार कर रहा है ना, और रिक्त स्थान दिया हुआ है, तो बाल है क्या, बाल है नमती, बाल है नमती अर्थात बालक नमस्कार करता है, या बालक नमस्कार कर रहा है। फिर वह नमस्कार करता है को क्या बोलोगे, सह नमती, वह नमस्कार करता है। अब देखिए, तीन खड़े हैं तो तीन आ गए ना अनेक में, तो बालका बालाह नमंती, बालह का बहुवचन बाल है, बालौ बालाह, ठीक है, बाला नहीं बालाह, बालाह नमंती, अनेक बालक नमस्कार कर रहे हैं, ते नमंती, वे सब नमस्कार कर रहे हैं, ते का वे सब नमस्कार कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें देखिए क्या है, घोड़ा है, पहले चित्र में देखिए एक घोड़ा है, दूसरे चित्र में देखिए कितने हैं, तीन या तीन से अधिक है ना, चार है ना, तो अनेक हो गए, बहुवचन हो गए, तो क्या आएगा, एक घोड़े के लिए अभी शब्दावली में मैंने बताया था घोड़े को क्या बोलोगे, अश्व है, तो पहले में क्या आएगा, अश्व धावती, धावती लिखा हुआ, तो क्या आ जाएगा रिक्त स्थान में, अश्व है, अश्व है धावती, वह दौड़ रहा है, सह धावती, सह धावती, वह दौड़ रहा है। फिर बहुत सारे घोड़ों के लिए अश्वः, अश्व है अश्वौ अश्वः, अश्व वाला द्विवचन का चैप्टर, थर्ड वाला चैप्टर है, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, एकवचन और बहुवचन, अश्वः धावंती, क्या करोगे, धावंती। फिर ते धावंती, वे सब दौड़ रहे हैं, वे सब दौड़ रहे हैं, समझ में आ गई।